लेट्स गो। ओके जी, शुक्रिया आपका। कम, इसका हाथ मजबूती से पकड़ ले वरना तुझसे भी छुड़ा लेगी। ये मेरा हाथ है शाहजी, आपकी चुटकी नहीं जो कभी बचती और कभी नहीं। मेरी चुटकी से ना डर, ऊपर वाले की लाठी से डर। इतने बड़े बड़े बोल ना बोल, नहीं तो मुंह पे आ लगेंगे। हक मौला, हक मौला, हक मौला, हक मौला। मेरे तो पीछे ही पड़ गया था वो कमबख्त चुटकी शाह। कितना असर है, हम भी यहाँ हैं, तुम भी यहाँ हो, देखते हैं। ए, आप दोनों तो इफ्तारी पे गई थी ना? हाँ, वापस आ गए। तुम्हें क्या? वो आगा जी, मैंने अपनी सहेली का घर पूरे नॉर्थ नाजमाबाद में ढूंढा और मिला ही नहीं, मजबूरन इफ्तारी से पहले वापस आना पड़ा। इसीलिए कह रहा था कि जमशेद को साथ ले जाओ। अरे छोड़ो मियाँ, जमशेद के सितारे तो वैसे ही गर्दिश में, एक बीवी संभाली नहीं जाती। बेटे की शादी मुश्किल में पड़ी हुई है, पता नहीं दो दो फैक्ट्रियां कैसे चला रहा है वो। लीजिए, लगता है इनको भी घर नहीं मिला। आइए आइए जलालमिया, आपकी इफ्तारी भी कैंसिल हो गई क्या? और किसका हुआ? वो मेरी सहेली ने ना हमें इफ्तारी पे बुलाया था, घर ही नहीं मिला। और हमारा दोस्त का भी सास पोत हो गया, रास्ते में फोन आया था तो हमने कहा घर चलो। तुम्हारा ये कौन सा दोस्त है जलाल मियाँ जो रातों रात कराची में पैदा हो गया? लो, बिल्लो की कोई दोस्त कर सकती है तो इनका कोई दोस्त क्यों नहीं? अच्छा अच्छा मासूमा, ज्यादा बातें मत करो, तुम तो जज्बाती हो जाती हो मियाँ के लिए जरा जरा सी बात पर। चलो अंदर चलो, नईमा का हाथ बटाओ, इफ्तारी तैयार करो, देर हो रही है। चलो चले। झुमका बहुत सूट कर रहे हैं। और ये सूट बहुत खूब, बुलबुल है तुम तो बहुत खुश। अकल्ला अकल्ला। तुम मानो या ना मानो, ये चुटकी शाह एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे इतनी आसानी से कर दी, मेरा तो दिल ही चिर गया है। लोगों की नफ्सियात से खेलते हैं ऐसे लोग, इसीलिए मना कर रहा था मैं यहाँ पे नहीं आओ, लेकिन बात ही नहीं माननी मेरी। लेकिन शेरी, जो पापा ने कहा वो सब सच है क्या? क्या मैं सच में बाहर पढ़ने नहीं जा सकूंगी? मेरी सारी की सारी कहावत हो रही है यहीं पे मर के तब बन जाएंगे। यार जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जरूर जाओगी बाहर पढ़ने के लिए। तुम क्या, बल्कि हम दोनों साथ जाएंगे। वाकई? हाँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या?